आज मैं आपको बताऊंगी कि पुदीना हम कैसे स्टोर करके रख सकते हैं। हम सब जानते हैं कि पुदीना हमारी बहुत सारी रेसिपीज में हम यूज करते हैं, और इसमें सिर्फ एक ही दिक्कत होती है कि इसे स्टोर करके रखना काफी मुश्किल होता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा भी सीजन हो, बारिश, धूप या ठंड, हर कोई सीजन में हम इसको कैसे स्टोर करके रख सकते हैं। तो आज हम देखेंगे बिना धूप और बिना ओवन के हम इसको कैसे स्टोर कर पाएंगे। यहाँ पे मैंने पुदीना साफ करके धो के रखा हुआ है, तो अब हम इसको एक कपड़े पे सुखाएंगे जब तक इसका पूरा पानी निकल ना जाए। पूरी तरह से पानी इसमें से निकल के ये ड्राई हो जाए तब तक ये यहाँ ऐसे कपड़े पे रखेंगे। ये देखिए, 2 घंटे के बाद पुदीना पूरी तरह से सूख गया है, इसके अंदर जो भी पानी था वो सूख गया है। अब हमें इस तरह का एक डिब्बा लेना है जिसको ऐसी नेट होनी चाहिए, इसके अंदर हम पुदीना डाल के फ्रिज के अंदर रख देंगे। याद रखिएगा, जो भी हम डिब्बा लेंगे इसको नेट चाहिए जिसके अंदर एयर जाना चाहिए। अब हम इसको बंद करके ये 6 से 7 दिन के लिए फ्रिज में रख देंगे। ये देखिए, मैंने 3 दिन बाद ये फ्रिज से निकाला है और आप देख सकते हो ये इस तरह से सूखने लगा है। हम इसको और 3 दिन इसमें रखेंगे, 3 से 4 दिन तक, तब तक ये पूरा ड्राई हो जाएगा। देखिए, 7 दिन बाद पुदीना पूरी तरह से भी ड्राई हो गया है। देखिए, अब हम इसे मिक्सी में से पीस लेंगे। देखिए, अब हमारी पाउडर तैयार हो गई है। आप चाहे तो इसे छान के भी रख सकते हैं या फिर ऐसा यूज कर सकते। अगर आपको मेरी ट्रिक्स पसंद आई है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। देखिए, अभी ये हमारा पाउडर तैयार है। हम इसे ऐसे कंटेनर में भर के फ्रिज में रख सकते हैं और 2-3 महीने तक यूज कर सकते हैं।